संयुक्त किसान मंच ये जो वर्ष 2023 के लिए अदानी एग्री फ्रेश के द्वारा जो सेब के रेट तय किए गए हैं इसको जो है बिल्कुल नाकाफ़ी मानता है, क्योंकि इस वर्ष जो है फसल बेहद कम है और मंडियों के अंदर जो अभी तक सेब गया है उसके काफ़ी बेहतर दाम जो है वो मिल रहे हैं, और अभी जो प्रीमियम क्वालिटी का बेहतर क्वालिटी का जो सेब है वो मंडियों के अंदर 150 रुपये से लेकर 160 रुपये तक बिक रहा है, और जो एवरेज क्वालिटी का सेब है वो भी 70 से लेकर 90 रुपये तक जो है मंडियों के अंदर प्रति किलो के हिसाब से बेचा जा रहा है, और ये जो अभी 95 रुपये प्रति किलो प्रीमियम का जो रेट तय किया है और न्यूनतम स्तर पर जो है 20 रुपये प्रति किलो का रेट जो अदानी के द्वारा तय किया गया है ये बिल्कुल भी जो है इस बार जायज़ नहीं है। और इस तरीके से अदानी जिस प्रकार से जब से हिमाचल प्रदेश के अंदर आया प्रदेश के जो सेब बागवान है उनका जो है इस प्रकार से शोषण करता है, तो संयुक्त किसान मंच प्रदेश की सरकार से मांग करता है कि तुरंत जो है ये अदानी को रेट बढ़ाने के लिए जो है उसके साथ बैठक करके जो है उसको आदेश जारी किए जाए। और जिस प्रकार से हमने देखा है और गत वर्ष भी जब संयुक्त किसान मंच ने जो आंदोलन किया था उसके बाद जो है पूर्व की भाजपा सरकार ने एक कमेटी का गठन किया था कि अदानी के साथ जो एग्रीमेंट्स हुए अदानी किन शर्तों पर यहाँ पर आया है, तो वो जिस प्रकार की बैठकें उसमें हुई है उस उन बैठकों में ये मालूम पड़ा है कि अदानी का अभी तक कोई जो है MOU साइन नहीं है, उसने जो है अपनी टर्म्स और कंडीशन पर जो है सारा यहाँ पर जो है वो CA स्टोर स्थापित किए हैं और उसको नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड से जो है एक बड़ी सब्सिडी मिली है, और प्रदेश की सरकार ने ज़मीन और अन्य जो सेवाएं हैं उसके लिए जो है उनको फैसिलिटेट किया है। तो हम वर्तमान कांग्रेस की सरकार से मांग करते हैं कि शीघ्र जो है एक कमेटी का गठन किया जाए सेक्रेटरी हॉर्टिकल्चर की अध्यक्षता में, इसके साथ साथ जो है जो विशेषज्ञ हैं मार्केटिंग के और हॉर्टिकल्चर के उसके साथ साथ जो है बागवानों के नुमाइंदे जो है इस कमेटी के अंदर हो, ताकि आने वाले समय में जिस प्रकार से अदानी जो है सेब बागवानों का हिमाचल प्रदेश में शोषण कर रहा है और सस्ती दरों पर सेब खरीदकर कई गुना मुनाफा जो है वो CA स्टोर में डालकर कमाता है, तो इस पर जो है तुरंत रोक लगाई जाए। यदि सरकार जो है तुरंत इस पर कदम नहीं उठाती है तो संयुक्त किसान मंच जो है अदानी के इस शोषण के खिलाफ जो है आंदोलन करेगा।